अब तक आपने देखा कंस के बहकावे में फंस स्वयं को श्रेष्ठ पर्वत बनने हेतु विंध्याचल अपना आकार बढ़ा। सूर्य के ताप को खत्री पर्वत पर प्रतिबिंबित कर देता है जिससे देवी के उपासक संकट में आ जाते हैं। तब लोगों की रक्षा हेतु कान्हा पंचामृत बनाते हैं जिसे पीने से सभी गांव वाले और अधिक अस्वस्थ हो जाते हैं। और देवी योगमाया के साथ पीड़ितों के लिए औषधि लेने आए कान्हा कंस द्वारा औषधियों के हरण की बात सुन स्तब्ध रह जाते हैं। अपनी दिव्य औषधियों की रक्षा हेतु देवी योगमाया कंस के समक्ष जाने का निर्णय करती हैं। अब मुझे कंस के पास जाना ही होगा। अब आगे योगमाया, बहुत हुई तेरी लुका छिपी, अब तुझे मेरे सम्मुख आना ही होगा क्योंकि तेरी प्रतीक्षा में तेरी औषधियां मुरझा रही हैं। तेरे पास आज संध्या तक का समय है। यदि तू नहीं आई तो संसार को पुनर्जीवन देने वाली तेरी औषधियों का मैं अग्निदान कर दूंगा। अग्निदान समझती है, अर्थात तेरी सभी औषधियों को जलाकर भस्म कर दूंगा। आजा पापी कंस, जलेगा तो तू मेरे पाप की अग्नि में। मैं आ रही हूँ मैं तेरे अधर्म का अंत करने। आ रही हूँ मैं कंस। नहीं कान्हा, यदि मैं अभी रुक गई तो सारा संसार मुझे दोषी समझेगा। मुझे अपनी नहीं अपने भक्तों की चिंता है। अभी समय आ गया है उस अधर्मी कंस को दंड देने का। मुझे जाना ही होगा, उस पापी कंस को दंड देने का समय आ गया है। खड़े खड़े क्या कर रहे हो? वहाँ लोगों को जल क्रिया से भी कोई लाभ नहीं हो रहा है। कान्हा कुछ करो, कोई बुद्धि लगाओ कान्हा, अन्यथा हम लोगों को नहीं बचा पाएंगे। कान्हा दाऊ, हम लोगों को औषधियों के बिना नहीं बचा सकते और औषधियाँ हैं कंस के पास, इसलिए अब हमारे पास एक ही मार्ग है। दाऊ, हमें संध्या से पूर्व सभी औषधियों को मुक्त करवा के यहाँ लाना होगा, नहीं तो हम लोगों के साथ साथ सदा सदा के लिए औषधियाँ भी संसार से समाप्त हो जाएंगी। कंस का इतना दुस्साहस, वो औषधियों को नष्ट करे, आज मैं उसी का अंत कर दूंगा। जाओ कान्हा। मृत्यु से मिलने के लिए ललायत था ना, तो देख मैं आ गई हूँ अधर्मी कंस। योग माया, मुझे मारने वाले बालक की आकाशवाणी करने वाली देवी योग माया, मेरे सभी प्रश्नों का एक ही उत्तर माता योग माया। कंस, तूने मुझसे मिलने के लिए साम दाम दंड भेद सभी नीतियाँ अपना ली, यहाँ तक कि अनेक लोगों का जीवन संकट में डाल दिया। रोग मुक्त करने वाली औषधियों को तूने बंदी बना दिया। देख कंस, मैं तेरे सामने खड़ी हूँ, बोल क्या जानना चाहता है तू? ऐसा कौन सा सत्य जानना चाहता है जिसके लिए तूने इतना अधर्म किया? सर्वप्रथम भगवान कंस का आशीर्वाद देवी योग माया। आशीर्वाद तो मैं तुझे दूंगी, मृत्यु का आशीर्वाद, किंतु उससे पूर्व अपनी अंतिम इच्छा बोल। बोल कंस, बोल क्या जानना चाहता है तू? देवी योग माया,
माया। जब से आप मुझे बता कर गई हैं, कंस, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है, तब से उस बालक को ढूंढ रहा हूँ और मेरा मृत्युदाता है कि मुझसे ही छिपा फिरता है। आप मुझ पे बस इतनी कृपा कीजिए, मुझे इतना बता दीजिए कि कहाँ जन्मा है वो बालक, किसके घर जन्मा है, किस कुल में जन्मा है, किसकी ममता की छांव में पल रहा है, कौन है उसके माता पिता। बस बस, पर वो है वो धर्म रक्षक नारायण का अवतार, वो पूर्ण अवतार, वो परम अवतार। कहाँ है वो, इतने वर्षों से कहाँ छिपा बैठा है मुझसे। हे अधर्मी कंस, तुझे अपने मृत्युदाता की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। तू जहाँ कहीं भी होगा वो तुझे ढूंढ ही लेंगे। तू बस उसकी प्रतीक्षा कर। प्रतीक्षा ही तो नहीं होती, इसीलिए तो मैंने आपको यहाँ बुलाया है देवी योग माया। बताइए ना, कहाँ है वो बालक। तू जिसे बालक कह रहा है कंस, वो परमात्मा है और इतने वर्षों से उन्हें ढूंढते हुए तुझे एहसास हो ही गया होगा कि वो तुम्हारे आसपास ही है। अरे कान्हा रुको, अरे मेरी बात तो सुनो कान्हा। कान्हा हम मथुरा जा तो रहे हैं, किंतु हमारी योजना क्या है, हम पापी कंस का अंत कैसे करेंगे कान्हा। दाऊ अभी हम कंस का वध करने नहीं, अभी तो औषधियों को उसके बंधन से मुक्त करवाने जा रहे हैं, क्योंकि कंस को दंड देने से आवश्यक वृंदावन वासियों का जीवन बचाना है। हाँ कान्हा चिंता करो। नंद बाबा इनका स्वास्थ्य तो बिगड़ते ही जा रहा है। आसपास यहीं कहीं, यहां वहां जहां था, अरे कहां है वो, क्यों नहीं आता मेरे सम्मुख, क्यों नहीं रोकता मेरे अधर्म को, किस बात की प्रतीक्षा कर रहा है तुम्हारे नारायण का वो पूर्ण अवतार। प्रतीक्षा नहीं, वो तुझे अवसर दे रहे हैं, सुधरने का अवसर, अधर्म के मार्ग को त्याग करके धर्म के मार्ग पर चलने का अवसर, अपने पापों का प्रायश्चित करने का अवसर दे रहे हैं वो तुम्हें। नहीं चाहिए मुझे अवसर। देवी योग मुझे केवल वो बालक चाहिए, कहाँ है वो। मैं जानता था योग माया कि उस बालक के बारे में मुझे आप ऐसे ही नहीं बताएंगे, इसीलिए मुझे और अधिक अधर्म करना पड़ा, मुझे आपकी उन औषधियों का हरण करना पड़ा। तनिक सोचिए, यदि आपकी वो सारी औषधियां नष्ट हो गई तो आपके पृथ्वीवासी तो तिल तिल कर मर जाएंगे। विश्वास नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। तो अपनी दिव्य शक्ति से देख लीजिए अपने भक्तों का भविष्य। औषधि, हमें औषधि चाहिए। कोई मेरे मित्र को बचाओ, कोई औषधि ला के दो मित्र। खुल गई आंखें, अब निर्णय आपको करना है देवी योग माया। तो किसे बचाएंगी आप, अपने संपूर्ण संसार को या उस बालक को, सृष्टि के नारायण के उस पूर्ण अवतार को या अपनी संपूर्ण सृष्टि को। बताइए ना देवी योग माया, अपने भगवान को बताइए किससे बचाएंगी आप। पापी कंस, दोनों को बचाने का अभी एक ही मार्ग है। तेरे पापों का घड़ा भर चुका है कंस, तुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं।
हरित की हरीड़ा रामी, हाँ तुम ही हो ना वो औषधियाँ जो मनुष्य के रोगों और उनके शारीरिक विकारों को दूर करती हो, हाँ तुम ही हो ना? यही हमारा स्वभाव है, रोगों से सभी की रक्षा करना। रक्षा किंतु तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? हाँ देख क्या रहे हो, मनुष्य को जीवन दान देने वाली इन औषधियों का अंत कर दो। किंतु हमारा दोष क्या है? दोष दोष नहीं, उद्देश्य। यही महाराज कंस का उद्देश्य है। और ऐसे बड़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए छोटे मोटे जीवन को त्यागना पड़ता है। यदि तुम्हें छोड़ दिया तो महाराज कंस को नारायण का पूर्ण अवतार कैसे मिलेगा? हे लोग माया, हे नारायण, रक्षा कीजिए हमारी, रक्षा कीजिए। लगता है वो विष इतना विषैला था कि जल क्रिया का भी कोई असर नहीं हुआ। अब क्या होगा नंद बाबा? यदि इन्हें औषधि नहीं दी गई तो उनके प्राण बचाना असंभव है। कान्हा, क्या हुआ? तुम रुक क्यों गए? चिंता करो, हमें कंस से मिलकर औषधियों का पता लगाना होगा। दाऊ, आपको लगता है कंस हमें औषधियों का पता बताएगा? मुझे नहीं कान्हा, पर जब वो इस मुद्गल की मार खाएगा ना, तब वो बताएगा। दाऊ, अभी हमारे पास इतना समय नहीं है। मुझे आभास हो रहा है कि वृंदावन वासियों और औषधियों दोनों का जीवन संकट में है। हमें सीधे औषधियों के पास जाना होगा। दाऊ चलो कान्हा, शीघ्रता करो। हाँ दाऊ। माँ काली योग माया देवी बन गई। माँ काली नारायण नारायण। प्रभु, देवी योग माया ने क्रोधित होकर महाकाली का रूप धारण कर लिया है। और महाकाली का रौद्र रूप में आने का एक ही अर्थ होता है प्रभु, अधर्म का अंत करना। हाँ प्रभु, तो क्या आज पूर्व निर्धारित नियति खंडित हो जाएगी? क्या पापी कंस का अंत आज ही हो जाएगा? देवी, नियति निर्धारित अवश्य होती, किंतु वह कर्मों के अनुसार परिवर्तनशील भी होती। जो जैसा कर्म करता उसे वैसा ही फल मिलता। देवी योग माया का रुद्र रूप कंस के कर्मों का ही फल है, और कंस को अपने कर्मों का दंड भुगतना ही होगा। पापी कंस, धर्म की रक्षा के लिए मैंने पहले भी अनगिनत असुरों का अंत किया है। केवल असुर नहीं हूं मैं, भगवान हूं, भगवान कंस। अच्छा हुआ जो तू मेरे सम्मुख आ गई। तूने जैसे असुरों का श्रृंगार किया है, आज वैसे ही मैं तेरा अंत करूंगा काली। Na 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 na
कंस को दंड देने के क्रोध में मैं ये सोच ही नहीं पाया कि कंस ने औषधियों को बंदी गृह में बंदी बनाया होगा। अब हम औषधियों को मुक्त भी कर लेंगे और कंस को कुछ पता ही नहीं चलेगा। कान्हा, क्या हुआ? तुम उधर क्यों जा रहे हो? क्या तुम भूल गए कि कारागार जाने का मार्ग इस ओर है? दाऊ, कंस औषधियों का अंत करने के लिए उन्हें यहाँ लाया है, बंदी बनाने के लिए नहीं। इसलिए दाऊ, औषधियाँ बंदी गृह में नहीं वहाँ होंगी जहाँ कंस लोगों को मृत्यु दंड देता है। कान्हा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो शीघ्रता कीजिए दाऊ, चलिए। चलो कान्हा, शीघ्रता करो। दाऊ, शीघ्रता कीजिए अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। या देवी सर्वभूतेषु मृत्यु रूपेण संसिता सभी को मृत्यु देने वाली महाकाली आज स्वयं अपनी मृत्यु की ओर बढ़ रही है। अपना क्रोध त्याग दे काली और अंतिम बार भगवान कंस के दर्शन कर ले, क्योंकि आज के बाद तू मात्र एक किंवदंती बनकर रह जाएगी। आज मृत्युदाता भगवान कंस तुझे भी मृत्यु दान देंगे। अहंकारी असुर, अपना तो तू बचेगा, नहीं तेरा अहंकार। ये सोचने की भूल मत करना महाकाली कि भगवान कंस ने तुझ पर प्रहार क्यों नहीं किया। मैं तो केवल तेरी शक्तियां जांच रहा था। प्रहार तो मैं अब करूंगा। कभी पराजित नहीं होते। पापी कंस, सबसे पहले तेरे भगवान होने का भ्रम दूर करना होगा। आजा, आजा।